चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के साथ। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, क्या है ये टॉपिक, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। सपोज आपके पास दो सीरीज है एक्स एंड वाई, 8, 7, 11, 10, 19, 14, 7, 13, 101, 98, 96, 105, 110, 97, 11 and say 50। ये आपके पास दो सीरीज है एक्स एंड वाई। अब मैंने आपको बोला इनके बीच में रैंक कोरिलेशन निकालना है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको रैंक देनी है, रैंक टू द एक्स, आपको x को रैंक देनी है। अब कैसे आपको x को रैंक देनी है, ध्यान से देखें। x में जो भी नंबर सबसे बड़ा है, जो नंबर सबसे लार्ज है, x में जो भी नंबर सबसे लार्ज है आप उसको फर्स्ट रैंक देंगे। सबसे लार्ज नंबर क्या है आप देखिए, 19, तो आपने इसके आगे लिख दिया रैंक 1। फिर जो इससे छोटा नंबर है, से इससे छोटा नंबर कौन सा आपको दिख रहा है, इससे छोटा नंबर हमें दिख रहा है 14, तो हम उसे देंगे रैंक 2। फिर उससे जो छोटा नंबर है 13, उसको हम रैंक देंगे 3। फिर उससे जो छोटा नंबर है दैट इज 11, उसको हम रैंक देंगे 4। फिर उससे छोटा नंबर है कौन सा, 10, उसको हम देंगे रैंक 5। फिर उससे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है, 8, उसको हम रैंक देंगे 6। फिर उससे छोटा नंबर है हमारे पास 7, रैंक 7, उससे छोटा 6, रैंक 8। आपने क्या किया, एक ऑर्डर में आपने सारी की सारी रैंक दी, सबसे बड़े नंबर को 1, उससे छोटे नंबर को 2, उससे छोटे को 3, देर आफ्टर 4, देर आफ्टर 5 रैंक, 6th रैंक, 7th रैंक एंड 8th रैंक। सेम वे हम रैंक्स देंगे y को, रैंक टू द y। सबसे लार्ज नंबर आपको इसमें क्या दिख रहा है, सबसे लार्ज नंबर जो मुझे दिख रहा है 110, रैंक 1। फिर मुझे सेकेंड नंबर पे जो नंबर दिख रहा है दैट इज 105, रैंक 2। उससे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 101, रैंक 3। उससे छोटा क्या दिख रहा है आपको, 98, रैंक 4। उससे छोटा आपको क्या दिख रहा है, 97, रैंक 5। उससे छोटा 96, रैंक 6। उससे छोटा 50, रैंक 7। उससे छोटा 11, रैंक 8। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, डी। इसके बाद हमें निकालना है डी। डी क्या होता है, D is basically the difference in rank, rank of X minus rank of Y. दोनों की ranks के बीच का जो difference है that is D. 6 minus 3, 3, 7 minus 4, 3, 4 minus 6, minus 2, 5 minus 2, 3, 1 minus 1, 0, 2 minus 5, minus 3, 8 minus 8, 0, 3 माइनस 7 माइनस 4। तो आपने d निकाला दैट इज डिफरेंस इन रैंक्स। इसके बाद आपको क्या निकालना है, d स्क्वायर। इन सब का आप स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर 9, 0, 9, 0 एंड 16, 4 का स्क्वायर। फिर हमें इन सब का सम कर देना है दैट इज सिग्मा d स्क्वायर। तो आइए देखते हैं क्या होता है, 16 और 9 25 और 9 34, 38 प्लस 9 49, 38 प्लस 9 47 प्लस 9 56। एक बार रिकनसाइल कर लेते हैं दोबारा से, 9 18 और 4 22, 31 40 56। देखिए रैंक कोरिलेशन पे जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर n n स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन का, 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर n n स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 56। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आइटम्स, कि कितनी आइटम्स हमारे पास है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 आइटम्स है, 8 स्क्वायर माइनस 1। सो 1 माइनस 6 इंटू 56 पॉन 8 और 64, 63,
ये आ गया आपका 6 into 7, सो 1 minus 42 by 63। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं 42 by 63 को, ये हमारा आता है 0.66, सो फाइनल आंसर विल बी 0.34। सो दिस इज योर रैंक कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट इज 0.34। स्टेप्स आर वेरी सिंपल, एक्स को हमें रैंक्स देनी है, फिर हमें किसको रैंक्स देनी है बच्चा, वाई को, फिर दोनों का क्या निकाल देना है, डिफरेंस, फिर डी स्क्वायर, और फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हमारे सामने है। चलिए, ये तो था बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जिसके अंदर कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रही थी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं जो आप खुद पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। नालायक को ऐसा बिल्कुल मत करना कि पहले सॉल्यूशन देखो फिर उसे टीप लो। पहले क्वेश्चन नोट करना, वीडियो पॉज कर दो, फिर अपने आप सॉल्व करो, फिर उसका सॉल्यूशन वॉच करोगे। पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले इसे फटाफट नोट करो, फास्ट फटाफट इसे नोट कर लो। चलो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। इलेवन टेन थर्टीन नाइन सेवन थ्री फिफ्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन सिक्सटीन नाइनटीन इलेवन थर्टी। चलो फास्ट शुरू हो जाओ, वीडियो पॉज एकदम, बस नहीं देखनी, शपथ ले लो तभी सीख पाओगे, शपथ नहीं लोगे तो कैसे सीख पाओगे, हैं बेशर्मो, फास्ट चलो। चलो आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16 रैंक 1, उससे छोटा 15 रैंक 2, उससे छोटा 13 रैंक 3, उससे छोटा 11 रैंक 4, उससे छोटा 10 रैंक 5, उससे छोटा 9 रैंक 6 रैंक 7 रैंक 8। सेम वे विद द वाई, सबसे लार्ज आपके पास क्या है, 27 27 आपके पास लार्ज है, नहीं सॉरी 30 है, यस रैंक 1, फिर 27 तो रैंक 2, फिर 25 रैंक 3, फिर 23 रैंक 4, फिर 21 रैंक 5, फिर रैंक 6, फिर रैंक 7 और फिर रैंक 8। अब फिर डिफरेंस निकालेंगे, 4 में से 5 क्या, माइनस 1, अब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिख दो 2, 3 में से 4 गया माइनस 1, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 8 गया माइनस 6, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। इसके बाद डी स्क्वायर करोगे, दैट विल बी 1, 4, 1, 16, 0, 4, 36, 0, ये आ गया आपका सिग्मा डी स्क्वायर। अब 36 और 4 40 प्लस 16 56 57 61 62, सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 62, 6 22 26 और 30, हाँ जी 62। अब फॉर्मूला आर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन एन स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना है आपका 62, एन एन कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्क्वायर माइनस 1 सो 2 3, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 62 अपॉन में 3 इंटू में 63। तो चलिए देखते हैं इसे, हो जाइयो भाई सॉल्व, 2 मल्टीप्लाई बाय 62 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 63, ये आ गया 0.65, 1 माइनस 0.65 तो ये आ गया आपका 0.35 विच इज योर आर, ठीक है। तो होपफुली आपने भी यही आंसर निकाला होगा, और अगर आपने ये आंसर नहीं निकाला है तो आप खुद देखो कि आपकी गलती कहां पर हुई है। सो दिस वॉज द रैंक कोरिलेशन, और बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट, अभी इसके अंदर कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रही थी। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें रैंक्स रिपीट हो रही है। अभी तो क्या था, सारे नंबर अलग अलग थे, आप सिंपल वे में रैंक देते गए। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस
एज सच कि जिसके अंदर रैंक्स रिपीट होंगी, तो रैंक कोरिलेशन किस तरीके से निकाला जाता है।